रखी हैं। मैं स्वागत करती हूँ चांदनी केसरवानी जी का। ये शिक्षा में MHSC बाल विकास से इन्होंने विशेष योग्यता है। जर्मन भाषा ये जानती हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में नियमित इनकी कविताएं प्रकाशित होती रहती हैं। बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मैम इस पटल पर आपका, और मैं और विभा जी आपका स्वागत करते हैं। ये बिल्कुल पटल बिल्कुल, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपका। जी मैम। पटल आपके हवाले है, अब आप अपनी रचनाओं से हमारी, अब तो सुबह होने वाली है शिल्पा जी, जी 4 बजने वाले हैं, तो अब तो सुबह होने वाली है, अब हमारी सुबह की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत जी अभिनंदन, बहुत स्वागत है। चांदनी जी बहुत स्वागत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझे बता दें, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? बहुत जी बहुत बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल बहुत क्लियर। जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ प्रभात आप सभी को, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी का, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी का, और निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी का, सह निदेशक नीता जोशी जी का, सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस पटल पर, और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजपाल सर जी जुड़े हुए हैं, आप सभी का जी अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और जी माफी चाहूंगी, मेरी आवाज थोड़ा सा खराब हो रखी है, पर उम्मीद करती हूँ कि मैं पटल मैम पर अच्छी अपनी। अच्छी आवाज आ रही है, एकदम शार्प। जी, तो सर्वप्रथम माँ भारती को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ, और माँ शारदे के चरणों में अपनी चंद पंक्तियां रखती हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करती स्वागत हूँ। सुनिए। स्वागत। आराध्य तू, आराध्य तू, आराध्य ना मेरी, साध्य तू, साध्य तू, साध्य ना मेरी, आहा सिर रूप धारे तू, मातेश्वरी मेरी, ज्ञान का संचार कर राजेश्वरी मेरी, वाह वाह आराध्य आराध्य तू, आराध्य ना मेरी, साध्य तू, साध्य तू, साध्य ना मेरी, वाणी में तू वास कर, काव्य का संचार कर, नमन नमन करे तुझको तेरी प्रारती, आराध्य तू, आराध्य तू, आराध्य ना मेरी, साध्य तू, साध्य तू, साध्य ना मेरी। वाह, वीणावाड़ी को प्रणाम करते हुए बहुत धन्यवाद सुंदर, बहुत स्वागत। आगे बढ़ाती हूँ और आप सभी के सामने कुछ दोहे रखती हूँ, सुनिएगा। भगवान स्वागत कृष्ण, भगवान स्वागत कृष्ण चरणों में समर्पित है मेरे दोहे, सुनिएगा। स्वागत। आने बसो तुम्हें मोहना, विनती करूं हजार, हृदय सुमने अर्पित करूं, तुम्हें हो पालनहार, तुम्हें हो पालनहार, तेरी सूरत देख के भूल गई सब राग, तेरी वाह वाह सूरत देख के भूल गई सब राग, तेरे चरणों में रहूं बन के पुष्प पराग, बन हा पुष्प पराग, ध्यान बहुत सुंदर। करे जो श्याम का, ध्यान करे जो श्याम का, कभी न बिगड़े का, चरण पकड़े लो श्याम के, जिसमें चारों धाम, जिनमें चारों धाम, बहुत खूब। एक बार मुरली सुनो, एक बार मुरली सुनो, बस इतनी है आस, करूं बंदना आप से, रखो चरण के पास, रखो चरण के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत आभार। चंचल मन भटे के नहीं,
और न होवे भूल, चंचल मन भटे के नहीं। और न होवे भूल बस इतनी सी प्रार्थना, बनो चरण की धूल, वाह वाह बहुत सुंदर चरण की धूल। वाह जी बहुत बहुत आभार। और एक पुस्तक रखती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। स्वागत है। कर्म तेरा यही होगा, सिला तेरा यही होगा। कर्म यही होगा, सिला तेरा यही होगा, किया जब भी मोहब्बत तो गिला तेरा यही होगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, गिला तेरा होगा। बड़ी मुश्किल डगर होगी यहाँ देखो जमाने में, बड़ी मुश्किल डगर होगी यहाँ देखो जमाने में, तेरे रोने या हंसने का सिलसिला भी यही होगा। तेरे वाह रोने वाह या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आप सभी का। इसके सामने अभी आप लोगों के सामने एक माहिया रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वागत। बादल फिर बरसे हैं, बादल फिर बरसे हैं, आंगन सूना सा ये नैना तरसे हैं। क्या बात है, आहा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सूना सा ये नैना तरसे हैं। मैं आप सभी से माफी चाहूंगी, मेरी आवाज थोड़ा सा बैठ गई है। मैं अरे कोई बात क्या नहीं बात मैम, है, आप आप बहुत बहुत अच्छा अच्छा पढ़ गा रही रही हैं। हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल अपने मम्मी के घर आई हुई थी, क्योंकि कल तीज का कार्यक्रम है, तो जी, कुछ ज्यादा मीठा वगैरह खाने से आवाज थोड़ा सा खराब हो गई है, तो कोई बात सुनिएगा। नहीं मैम। स्वागत है। अबे ना तरसाओ तुम, अबे ना तरसाओ तुम, पीते रहे सावन अबे तो आ जाओ हाँ तुम, पीते क्या बात है, रहे सावन अबे तो आ जाओ तुम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जाओ पासे मेरे, आ जाओ पासे मेरे, चाहूं बस इतना रहूं मैं साथ तेरे, चाहूं बस इतना रहूं मैं साथ तेरे, बहुत बढ़िया, यह बहुत तो बढ़िया। जो मेरा है, यह दिल जो मेरा है, प्रीत लगी जब से यह दिल बस तेरा है, प्रीत क्या बात है, क्या बात है, लगी जब से यह दिल बस तेरा है। और अंतिम माइने रखती हूँ, श्रृंगार जो करती हूँ, श्रृंगार जो करती हूँ, नाम तेरा हरदम सिंदूर से लिखती हूँ, बहुत बढ़िया, नाम बहुत बढ़िया। तेरा हरदम सिंदूर से लिखती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और राजपाल बहुत सर भी जुड़े हैं, तो स्वागत है सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और इसी के सामने अभी चार पंक्तियां और देती हूँ आपको, सुनिएगा। डगर कठिन आगे अंधेरा है, डगर कठिन अंधेरा है, खुद को तेज बांध कर, डगर कठिन अंधेरा है, खुद को तेज बांध कर, लक्ष्य पूरा होगा ही थोड़ा अंतर्ज्ञान कर, लक्ष्य पूरा होगा ही थोड़ा अंतर्ञान। बहुत तो इन्हीं बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद, इन्हीं चार पंक्तियों के साथ आगे बढ़ती हूँ। एक मुक्तक से जोड़ती हूँ आपको, सुनिएगा। स्वागत है।
प्रेम को गुनगुनाना जरूरी नहीं, प्रेम को गुनगुनाना जरूरी नहीं, आंखों को यूं रुलाना जरूरी नहीं, प्रेम को गुनगुनाना जरूरी नहीं, आंखों को यूं रुलाना जरूरी नहीं, दिल की बातें अपने ही समझे यहाँ, दिल की बातें तो अपने ही समझे यहाँ, सबको बातें समझाना जरूरी नहीं। बहुत बहुत आभार। एक मुक्तक और रखती हूँ, सुनिएगा, ये मेरा बहुत पसंदीदा मुक्तक है। बन गए मकान आ रही है सिसकियां, बन गए मकान आ रही है सिसकियां, खो रहे अपने आ रही है हिचकियां, खो रहे हैं अपने आ रहे हैं हिचकियां। याद है सबको सब कुछ मगर, याद है सबको सब कुछ मगर, डूबती जा रही है रिश्तों की कश्तियां, फिर भी डूबती जा रही है रिश्तों की कश्तियां। तब तक कमेंट ले लेते हैं। प्रीति पाठक, प्रीति जी, राजपाल यादव जी जुड़े हुए हैं ध्वनि सिंह पर्दे के पीछे। हाँ सर, मैं जानती हूँ कि ध्वनि रोज रात को पर्दे के पीछे का अपना रोल निभाती है और उसको साधुवाद भी मैंने इस पटल से प्रेषित किया है। पटल को रोशन करने के लिए चांदनी की आवश्यकता है, इसलिए हमारे बीच चांदनी जी उपस्थित। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश आपके लिए, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ एक छंद से जोड़ती हूँ आप सभी को, बेटियों के ऊपर, बेटियों के ऊपर लिखा हुआ छंद है, सुनिएगा, आप सभी कमर चाहूंगी। छोटी छोटी प्यारी प्यारी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी, मन को ये भाए नारी, सुंदर सुशील बने जाती हैं ये बेटियां, सुंदर सुशील बने जाती हैं ये बेटियां, मन मन चहके हैं घर घर महके हैं, मन मन चहके हैं घर घर महके हैं, पावन तुलसी कहलाती हैं ये बेटियां, पावन तुलसी कहलाती हैं ये बेटियां, बाबा की कहानी बन दादी की जवानी बन, बाबा की कहानी बन दादी की जवानी बन, माँ का अभिमान बन जाती हैं ये बेटियां। और आगे कहती हूँ, कल्पना की उड़ान में, कल्पना की उड़ान में, झांसी की ललकार में, भारती किसान कहलाती हैं ये बेटियां, भारती बहुत बढ़िया लाती हैं ये बेटियां। बहुत धन्यवाद। और आगे आगे सुनिएगा, देवी की यशोदा बन, देवी की यशोदा बन, ममता में प्रेम भर, भगवान को झूला झूलाती हैं ये बेटियां। हाँ बहुत सुंदर, झूला झूलाती हैं ये बेटियां, पग पग धारा की हो, पग पग धारा की हो, या नाभे की उड़ान हो, माँ भारती को गर्व कराती हैं ये बेटियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। माँ भारती को गर्व कराती हैं ये बेटियां। अब कुछ पंक्तियां एक सवाल के रूप में रखती हूँ, सुनिएगा, आप सभी का साथ चाहूंगी इन पंक्तियों में। इतनी सरल है ये, इतनी सरल है ये, इतनी सहज है ये, सवाल बन क्यों रह जाती हैं ये बेटियां। बहुत सुंदर सवाल, क्यों रह जाती हैं ये बेटियां, लालच के पिंजड़े में, लालच के पिंजड़े में सिमट सिमट कर, सुनिएगा, लालच के पिंजड़े में सिमट सिमट कर, कोख में ही क्यों मारी जाती हैं ये बेटियां, कोख में ही क्यों मारी जाती हैं ये बेटियां, सवाल बने क्यों रह जाती हैं ये बेटियां। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सुंदर चांदनी जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। अनाक्षरी में ऐसी रचना, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत बहुत आभार आपका। और आगे बढ़ती हूँ इसी के साथ, एक कहानी मेरी जिसका शीर्षक है प्रेम की धारा, सुनिएगा कि एक गीत कैसे एक गीतकार एक गीत लिखता है और किन भावों से गुजरता हुआ वो गीत आप सभी के सामने पहुंचता है, तो उसी को इन पंक्तियों के साथ व्यक्त करती हूँ, आप सभी का मन चाहिए। प्रेम होती है, प्रेम की धारा बहती है, शब्दों को पिरोती है,
प्रेम की धारा बहती है, शब्दों को पिरोती है, शब्दों की बगिया में खाद प्रेम की होती है, शब्दों की बगिया में खाद प्रेम की होती है, अंतर मन के बीजों को सींचे भावनाओं की निर्मल धारा, अंतर मन के बीजों को सींचे भावनाओं की निर्मल धारा, शब्द शब्द तब मिले वहां, शब्द शब्द तब मिले वहां, बन जाए सुंदर गीतों की माला, शब्द शब्द बन जाए सुंदर गीतों की माला, एक हृदय गीत जो मेरा है, एक हृदय गीत जो मेरा है, एक हृदय गीत जो तेरा है, मुझे भी गा लो मेरे शायर, यह गीत तो तेरा मेरा है, यह गीत तो तेरा मेरा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और इसी के साथ कुछ पंक्तियां मैं आप सभी के सामने रखती हूँ। मैंने जब कविता लिखना शुरू किया था तो ये मेरी पहली पंक्ति, कुछ पंक्तियां थी जो मैंने पहली बार लिखा था और बहुत ही दिल के करीब है मेरे, आप सभी के सामने रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। अश्रु बहे जो नैनों से, अश्रु बहे जो नैनों से, ना समझो तुम बेईमानी है, अश्रु बहे जो नैनों से, ना समझो तुम बेईमानी है, बूंद बूंद सुख दुख की कहती एक कहानी है, बूंद बूंद सुख दुख की कहती एक कहानी है, महसूस करो तो प्रेम है, महसूस करो तो प्रेम है, नहीं तो बस पानी है, नहीं तो बस। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार जी की पंक्तियां इसमें मतलब मिलती जुलती कि कोई समझे तो पानी है, वो जो उनकी मतलब अगर आप समझो तो वो मोती है, नहीं तो पानी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो चार पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। लिखते लिखते लिख जाऊं मैं, लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख जाऊं मैं, दुनिया की सारी मुश्किल हल कर जाऊं मैं, दुनिया की सारी मुश्किल हल कर जाऊं मैं, कविता की गहराई में जा, कविता की गहराई में जा डुबकियां लगाऊं मैं, कविता की गहराई में जा डुबकियां लगाऊं मैं, सारांश को निकाल कर जन जन तक पहुंचाऊं मैं, जन जन तक पहुंचाऊं मैं, लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख जाऊं मैं, लिखते लिखते कुछ ऐसा लिख जाऊं मैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत आभार, इसी के साथ चंद पंक्तियां भगवान कृष्ण के चरणों में रखती हूँ, सुनिएगा। तन तरंग है मन चंचल है, तन तरंग है मन चंचल है, मृगनैनी सी काया, कमल पंखुड़ी की जैसी बन आई है वो ब्रजवाला, तन तरंग है मन चंचल है, मृगनैनी सी काया, कमल पंखुड़ी की जैसी बन आई है वो ब्रजवाला, मुरली की धुन में नाचे राधा, मुरली की धुन में नाचे राधा, बन प्रेम दीवानी, मुरली भी बेसुध हो जाती देख प्रेम मस्तानी, मुरली भी बेसुध हो जाती देख प्रेम मस्तानी, राधा का तो प्रेम कृष्ण है, राधा का तो प्रेम कृष्ण है, सिंदूर नहीं कहानी, बाबा बाबा, कृष्ण ने सिंदूर भरा तो रुक्मिण बन गई रानी, कृष्ण सिंदूर भरा तो रुक्मिण बन गई रानी। अब देखिएगा राधा और कृष्ण का जो प्रेम था वो कितना अटूट था और कितना बड़ा था और कितना पवित्र था। आगे की पंक्तियों में सुनिएगा, राधा का तो दिल कृष्ण बने थे, राधा का तो दिल कृष्ण बने थे, धड़कन राधा रानी, राधा का दिल कृष्ण बने थे, धड़कन राधा रानी, राधा तो श्याममयी हुई, राधा तो श्याममयी हुई, बनी कृष्ण दीवानी। बहुत सुंदर। अगली पंक्तियां सुनिएगा, राधा का नाम कृष्ण के पहले जब जब आता, राधा का नाम कृष्ण के पहले जब जब आता, परिपूर्ण हुई वो कृष्ण के संग, परिपूर्ण हुई वो कृष्ण के संग, सिंदूर का ना था नाता, कृष्ण के संग सिंदूर का ना था नाता। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ चार पंक्तियां और अपने इष्ट के सामने रखती हूँ। तेरे चरणों में मेरा चेतन दीप समर्पित है,
तेरे चरणों में मेरे चेतन दीप समर्पित है, मेरे मन मंदिर में रहना कृष्णा, तेरे चरणों में मेरा अस्त समर्पित है, तेरे चरणों में मेरा अस्त समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ एक छोटी सी और रचना रखती हूँ आप सभी के सामने। स्वागत है। इस रचना के बारे में कुछ जरूर कहना चाहूंगी। ये रचना मेरे बचपन को बहुत ही छूती हुई रचना है और एक एक पंक्तियां बहुत ही अपने आंसुओं के साथ लिखी थी, क्योंकि अभी इस समय मेरी नानी अभी इस दुनिया में नहीं रही है, तो उन्हें याद करते हुए ये पंक्तियां लिखी थी उनके साथ जो बचपन था। तो रखती हूँ, ये पंक्तियां सुनिएगा। दो बूंद पलकों से गिरती, दो बूंद पलकों से गिरती और हर खुशी मिल जाती थी, दो बूंद पलकों से गिरती और हर खुशी मिल जाती थी, छोटी सी मुस्कान थी अपनी और हर बात बन जाती थी, छोटी सी मुस्कान थी अपनी और हर बात बन जाती थी। छोटे छोटे खेलों में भी, छोटे छोटे खेलों में भी पूरी दुनिया जीत लेते थे, छोटे छोटे खेलों में पूरी दुनिया जीत लेते थे। कंचे पत्थर गुड्डे गुड़ियों के संग ही बचपन हम बिता लेते थे, कंचे पत्थर गुड़ियों के संग ही बचपन हम बिता लेते थे। सुन बचपन, सुन बचपन क्यों बीत गई अब याद बन क्यों आती है, सुन बचपन क्यों बीत गई अब याद बन क्यों आती है, दो बूंद पलकों की बन अब पलकों में ही रह जाती है, दो बूंद पलकों अब पलकों में ही रह जाती है। तो ऐसा होता था कि बचपन में हम रो देते थे और हमारे बड़े हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते थे, और आज के समय अब ये है कि कुछ भावनाएं अपने अंदर ही छिपानी पड़ जाती हैं। तो बस इसी सोच के साथ ये पंक्तियां लिखी थी, इसी के साथ आगे बढ़ती हूं। बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी, और ये बात बिल्कुल सही है कि दादा दादी नाना नानी का जो स्नेह बच्चों को मिलता है, जो प्यार मिलता है, वो अद्वितीय है। बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी के साथ आप सभी को एक गीत से जोड़ती हूँ, सुनिएगा। चले चलो बढ़े चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो, चले चलो बढ़े चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो। न देश कर न ईर्ष्या कर खुद पे तू यकीन तो कर, न देश कर न ईर्ष्या कर खुद पे तू यकीन तो कर, लक्ष्य पूरा होगा ही खुद को तू सबल तो कर, लक्ष्य पूरा होगा ही खुद को तू सबल तो कर। चले चलो बढ़े चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो। अगला वन सुनिएगा। मिथ्या के विचारों को खुद से तू अलग तो कर, मिथ्या के विचारों को खुद से तू अलग, बहुत बढ़िया, पूरा होगा ही कर्म को प्रधान कर, लक्ष्य पूरा होगा ही कर्म को प्रधान कर। चले चलो बढ़े चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो। अगला बंद सुनिएगा। डगर कठिन अंधेरा है, डगर कठिन अंधेरा है तू खुद को तेज बान कर, डगर कठिन अंधेरा है तू खुद को तेज बान कर, लक्ष्य पूरा होगा ही खुद से दोष दीप तो कर, लक्ष्य पूरा होगा ही खुद से दोष दीप तो कर। बहुत सुंदर, चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो। और अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। समय का पाबंद हो, समय का पाबंद हो खुद से ये सौगंध हो, समय का पाबंद हो खुद से ये सौगंध हो, लक्ष्य पूरा होगा ही थोड़ा सूर्य सा तो जल सही, लक्ष्य पूरा होगा ही
थोड़ा सूर्य सा तो जल सही, चले चलो बढ़े चलो बिना रुके बिना थके, ये मंजिले पुकारती चले चलो, ये मंजिले पुकारती चले चलो। तो बहुत 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 आभार आप सभी का। सुभाष चंद्र चौरसिया जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत शानदार लिख रहे हैं, सबकी सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। नवीन रविंद्र कुमार वर्मा जी सर गुड मॉर्निंग सर, सवा चार बज रहे हैं तो गुड मॉर्निंग ऑब्वियसली हो गई है, ये बहुत अच्छा समय होता है लोग जब मेडिटेशन करते हैं और इसमें हम आपको सुन रहे हैं चांदनी जी, ये भी मेडिटेशन से कम नहीं, बहुत खूबसूरत आप पढ़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद। तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी ये भोर का समय है, तो एक ऊर्जा वाली कविता सुना देती हूँ हम सभी के जीवन में। स्वागत। तो सुनिएगा, सफर जिंदगी का, सफर जिंदगी का आसान ना होगा, सफर जिंदगी का आसान ना होगा, फिर भी मुसाफिर तुझे चलना होगा, सफर जिंदगी का आसान ना होगा, फिर भी मुसाफिर तुझे चलना होगा, बुलंदियों को छूने के खातिर, बुलंदियों को छूने के खातिर धूप छांव सब सहना होगा, बुलंदियों को छूने के खातिर धूप छांव सब सहना होगा, रख बुलंद हौसला अपना, रख बुलंद हौसला अपना, पथ के कांटों पे चलना होगा, रख बुलंद हौसला अपना, पथ के कांटों पे चलना होगा, तभी मिलेगा लक्ष्य वो तेरा, तभी मिलेगा लक्ष्य वो तेरा, जिसकी खातिर तू निकल पड़ा, जिसकी खातिर तू निकल पड़ा, जिसकी खातिर। तो जी, तो हम सभी के जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें नर्वस कर देती हैं, तो इस तरह की कविताएं हमें बहुत प्रेरणा देती हैं। तो आगे बढ़ते चार पंक्तियां आप सभी के सामने और रखती हूँ। परिश्रम हर पल जीवन का, परिश्रम हर पल जीवन का नई सीख सिखलाता, परिश्रम हर पल जीवन का नई सीख सिखलाता, आरंभ हो कोख से, आरंभ हो कोख से निरंतर चलते जाता, आरंभ हो कोख से निरंतर चलते जाता। तो इसी के साथ एक जी बहुत बहुत आभार, इसी के साथ एक कविता रखती हूँ जिसका शीर्षक है जननी। तो सुनिएगा, वो है धरा की अनमोल रचना, वो है धरा की अनमोल रचना, उसका तुम अभिप्राय सुनो, वो है धरा की अनमोल रचना, उसका तुम अभिप्राय सुनो, उसके कोमल दर्पण मन का थोड़ा तो सम्मान करो, उसके कोमल दर्पण मन का थोड़ा तो सम्मान करो, ओस की बूंदों से भी हल्की, ओस की बूंदों से भी हल्की, वो खुद की इच्छाएं धरे, ओस की बूंदों से भी हल्की, वो खुद की इच्छाएं धरे, अपनों की खुशियों की खातिर प्राणों को निकाल धरे, अपनों की खुशियों की खातिर प्राणों को निकाल धरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारियों का चोला पहने, जिम्मेदारियों का चोला पहने, ऊपर से धीरज दिखलाती, जिम्मेदारियों का चोला पहने, ऊपर से धीरज दिखलाती, आंसुओं को धीरे से आंचल में समेट हो जाती, आंसुओं को धीरे से आंसुओं को धीरे से आंचल में समेट हो जाती, गुड्डे गुड़ियों के खेल में, गुड्डे गुड़ियों के खेल में ममता वह बरसाती, गुड्डे गुड़ियों के खेल में ममता वह बरसाती। तो हमने देखा होगा जब छोटी बेटियां होती हैं हमारे घरों पे, तो उनकी ममता बचपन से ही दिखने लगती है, इसी संदर्भ में ये पंक्ति लिखी थी मैंने कि गुड्डे गुड़ियों के खेल में ममता वह बरसाती, अथाह प्रेम के सागर में डूबे, अथाह प्रेम के सागर में डूबे राधा वह बन जाती, अथाह प्रेम के डूबे राधा वह बन जाती, नारी तुम वरदान धरा की, नारी तुम वरदान धरा की, तुम ही हो स्थान धरा की, नारी तुम वरदान धरा की, तुम ही हो स्थान धरा की, तन तेरा सोने सा सुंदर मन मोतियों की माला, तन तेरा सोने सा सुंदर मन मोतियों की माला, जीवन को तू कोख में धर कितना साहस दिखलाती, जीवन को तू कोख में धर कितना साहस दिखलाती, इस साहस का मोल न कोई
बस तू सम्मान के काबिल, बस तू सम्मान के काबिल। तो इसी के बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इसी के साथ एक और कविता रखती हूँ जिसका शीर्षक है माँ, तो सुनिएगा। स्वागत। माँ की कोख से निकलकर, माँ की कोख से निकलकर ममता, माँ की कोख से निकलकर माँ की आंचल में सिमटकर, कोख से निकलकर माँ के आंचल में सिमटकर, प्यार की परिभाषा सीखकर ममता की डोर पकड़कर हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। माँ की मीठी मीठी लोरी सुनकर, माँ की मीठी मीठी लोरी सुनकर, माँ के हाथों की रोटी खाकर, माँ के सीने से लगकर ममता की डोर पकड़कर हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए, हम बड़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माँ के आशीषों को पाकर, माँ के आशीषों को पाकर माँ के पीछे पीछे चलकर, माँ के आशीषों को पाकर माँ के पीछे पीछे चलकर ममता, माँ की कहानियों को सुनकर ममता की डोर पकड़कर हम बड़े हो गए, हम बड़े हो गए। तो हम बड़े हो गए हैं, लेकिन शायद हमारे माओ के लिए अभी भी छोटे हैं, तो आगे बढ़ते। तो एक जी, और आप तो मम्मी के घर ही बैठी हैं। जी जी बिल्कुल। एक और कविता रखती हूँ आप सभी के सामने, सुनिएगा। डगर नया सफर नया है, डगर नया है सफर नया है, राह पथरीली असर नया है। डगर नया है सफर नया है, राह पथरीली असर नया है। गिरना भी है उठना भी है, गिरना भी उठना भी है, साथ नहीं है पर चलना भी है, साथ नहीं है पर चलना भी है। हंसना भी है रोना भी है, हंसना भी है रोना भी है, चुभते कांटे हैं पर संभलना भी है, चुभते कांटे हैं पर संभलना भी है। यही जिंदगी है यारो, यही जिंदगी है यारो, कुछ पाना भी है तो कुछ खोना भी है, कुछ पाना भी है तो कुछ खोना भी है। इसी के साथ एक कविता रखती हूँ जिसका शीर्षक है चिंता। तो आज के समय यह मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम सभी के बीच बढ़ता जा रहा है कि हम हमेशा चिंता करते हैं और हर समय चिंताओं से घिरे होते हैं और कई मानसिक विकार से ग्रसित हो जाते हैं। तो आज के समय कोरोना के समय विशेषकर यह बहुत देखा जा रहा है, तो उसी संदर्भ में लिखी हुई चार पंक्तियां रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है। चिंता वृक्ष विसैला है, चिंता वृक्ष विसैला है, करता जीवन मैला है। चिंता वृक्ष विसैला है, करता जीवन मैला है, बच जाए जो चिंता से, बच जाए जो चिंता से, रहता वह अलबेला है, बच जाए जो चिंता से, रहता वह अलबेला है। डंक विसैला नाग है ये, डंक विसैला नाग है ये, बंद करे सब द्वार है ये। डंक विसैला नाग है ये, बंद करे सब द्वार है ये। मन को जकड़े चिंता जब, मन को जकड़े चिंता जब, बिगड़े सारे काम है तब, बिगड़े सारे काम है तब। तो अगर चिंता हमारे बीच आ जाता है तो सारे बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। तो इसी संदर्भ में जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक माहिया से और जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वागत जी, सुनिएगा। ये दिल की कहानी है, ये दिल की कहानी है, समझो जो इसको ये प्रीत पुरानी है, समझो जो इसको ये प्रीत पुरानी है। आंखों में पानी है, आंखों में पानी है, समझो जो इसको दिल की कहानी है, समझो जो इसको दिल की कहानी है। सावन के झूले हैं,
सावन के झूले हैं, बस एक तू नहीं, यादों के फूले हैं, बस एक तू नहीं, यादों के फूले हैं। अगली अगला माहिया सुनिएगा, इसमें मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, गगरी, जो कि मिट्टी के घड़े को कहा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो सुनिएगा। सावन की बदेरी है, सावन की बदेरी है, मन ये सूखा सा हाथों में गगरी है। क्या बात है, क्या बात है, सूखा सा हाथों में गगरी है। अंतिम बाहिया सुनिएगा। पने घटे भी रूठी सी, पने घटे भी रूठी सी, तेरे बिना अब तो जीवन ये सूनी सी, तेरे बिना अब तो जीवन ये सुनी सी। बहुत बहुत आभार माहिया, पंजाब की एक बहुत ही पुरानी विधा है, तो उम्मीद कर सभी को पसंद आई होगी। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काव्य पाठ आपने किया चांदनी जी, आपने जैसा आपका नाम है आपने चांदनी बिखेर दिया है, और सुबह की किरणें साथ साथ चांदनी के साथ सुबह की किरणें भी जुड़ गई है, और बहुत अद्भुत नजारा है, बहुत बेहतरीन काव्य पाठ किया आपने जी। बहुत कुछ बहुत वक्त है शिल्पा जी अभी इनके साथ, इनके पास कुछ मिनट बचे हैं। हाँ जी, हाँ जी, 6 मिनट जी, कुछ जी। और सुनाइए आप जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं बहुत कुछ सुनाना चाह रही थी, लेकिन बहुत सारे गीत सुनाना चाह रही थी आज, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रहा, इसलिए मैंने आज कविता पाठ किया, और कुछ एक कविता और रखती हूँ आप सभी के सामने, जिसका शीर्षक है प्रेम। सुनिएगा, उसके पहले उसकी भूमिका के रूप में 4 पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। प्रेम बिना ना इंसान है, प्रेम बिना ना इंसान है, प्रेम बिना ना भगवान, प्रेम बिना ना इंसान है, प्रेम बिना ना भगवान, प्रेम ही वह आधार है, प्रेम ही वह आधार है, जिसमें टिका संसार, जिसमें टिका संसार। तो सुनिएगा, सच्चा प्रेम एक समर्पण है, सच्चा प्रेम एक समर्पण है, दिल में दिखता एक दर्पण है, सच्चा प्रेम समर्पण है, दिल में दिखता एक दर्पण है, मोल भाव ना होता है, मोल भाव ना होता है, प्रेम में दिल जब होता है, मोल भाव ना होता है, प्रेम में दिल जब होता है, प्रेम कृष्ण की राधा है, प्रेम कृष्ण की राधा है, मीरा प्रेम की परिभाषा है, प्रेम कृष्ण की राधा है, मीरा प्रेम की परिभाषा है, प्रेम नाम है राम का, प्रेम नाम है राम का, भक्ति रूप हनुमान का। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। प्रेम है राम का, भक्ति रूप हनुमान का, देश प्रेम भी अनोखा है, देश प्रेम भी अनोखा है, वीरों के माथे का टीका है, वीरों के माथे का टीका है। तो ये प्रेम से ही पूरा संसार है, प्रेम से ही कविताएं हैं, प्रेम से ही सब कुछ है, प्रेम है तो सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं, पर ही संसार ही टिका है जी। बिल्कुल संसार का, बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी शिल्पा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, संसार का आधार प्रेम है, बहुत सुंदर। और अभी चांदनी जी आपके पास 3 मिनट है, कुछ और अगर आप छोटी छोटी 4 पंक्तियां हैं मेरी लिखी हुई, तो वो मैं कहती हूँ, सुनिएगा। खूबसूरत दुनिया की, यह पंक्ति मैंने किसी के लिए लिखी थी, तो आप सभी को सुनाती हूँ, सुनिएगा। राजपाल सर भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत आभार सर आपका। खूबसूरत दुनिया के बेमिसाल किरदार हो तुम, खूबसूरत दुनिया के बेमिसाल किरदार हो तुम, बस यकीन करो खुद पर, बस यकीन करो खुद पर, सच कहती हूँ
खूबसूरत इंसान हो तुम, सच कहती हूँ खूबसूरत इंसान हो तुम। इसी के साथ बहुत सुंदर लिखी है जी जी, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ चार पंक्तियां और रखती हूँ। ये चार पंक्तियां मुझे लगता है हम सभी के लिए बहुत जरूरी होती हैं, तो मैं हर भी काम पाठ मैंने किया ये पंक्तियां जरूर रखती हूँ। तो आज भी मौका मिला है तो सुनिएगा। चुप्पी ऐसी ना साधो, चुप्पी ऐसी ना साधो कि समस्या बड़ी हो जाए, चुप्पी ऐसी ना साधो कि समस्या बड़ी हो जाए, चुप्पी तोड़कर तो देखो शायद कुछ हल मिल जाए, चुप्पी तोड़कर तो देखो शायद कुछ हल मिल जाए। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर समय हो तो आप बता दीजिए, दो तो मैं मिनट कुछ का और समय है, आप छोटी सी रचना दे सकती हैं। और आप इतने ठहराव के साथ पढ़ रही हैं कि मतलब बीच में टोकने का या कुछ बोलने का या मौका ही नहीं मिला, आप इतनी साइलेंटली इतने आराम से जो भी आपको पढ़ना है आप पढ़ रही हैं, बहुत शानदार लिखती हैं आप, बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। और आज हम आपका गीत नहीं सुन सके, ये हमारी बदकिस्मती है कि आपका गला खराब है, आपकी मम्मी ने आपको इतनी मिठाई खिलाई है, तो बिल्कुल बिल्कुल। अगली बार जरूर हम सुनेंगे। लेकिन और ऐसा गला सभी को मुझे लगता है खराब होना चाहिए, हम सभी लड़कियों का हमेशा के घर आकर। तो बिल्कुल स्वागत। आगे जी आगे बढ़ते छोटी सी रचना रखती हूँ जिसका शीर्षक है सफलता। जी ये कोरोना के समय जब बच्चे बहुत उदास हो गए थे कॉलेज और स्कूल की, उस समय ये रचना मैंने लिखी थी और बहुत सारे बच्चों को भेजा था, तो रखती हूँ आपके सामने, सुनिएगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, राम नहीं तो श्याम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, राम नहीं तो श्याम मिलेगा, सूरज नहीं तो चांद मिलेगा, कोशिश करो तो जहान मिलेगा, सूरज नहीं मिलेगा, कोशिश करो बहुत खूब, सफलता की चाबी तो ढूंढो, सफलता की चाबी तो ढूंढो, मेहनत का दरवाजा तो खोलो, सफलता की चाबी तो ढूंढो, मेहनत का दरवाजा तो खोलो, विफलता की इस घड़ी में मन का सबल न तोड़ो, विफलता की इस घड़ी मन का सबल न तोड़ो। तो उस समय हमने देखा था बच्चे बहुत उदास हो रहे थे जब लॉकडाउन लगा हुआ था, खासतौर पर जो कैरियर वाले बच्चे थे, तो उसी संदर्भ में ये पंक्तियां थी। आगे सुनिएगा। धैर्य साहस बल रखो हमेशा, धैर्य साहस बल रखो हमेशा, तभी तुम्हें सम्मान मिलेगा, धैर्य साहस बल रखो हमेशा, तभी तुझे सम्मान मिलेगा, मेहनत का उचित दाम मिलेगा, राम नहीं तो श्याम मिलेगा, राम नहीं तो निरंतर जीवन में, निरंतरता रखो जीवन में, तभी मेहनत का सही अंजाम मिलेगा, निरंतरता रखो जीवन में, तभी मेहनत का सही अंजाम मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, राम नहीं तो श्याम मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आभार, बहुत साधुवाद आपको, इतनी रात को भी काव्य पाठ के लिए हमने आमंत्रित किया और आपने यह आमंत्रण स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी ये मेरा सौभाग्य, मैं इस पटल पर आई और राजपाल सर मुझे ये अवसर दिलाया। राजपाल सर ने मतलब पूरी रात ही काली की है सबको सुनने के लिए हमारी तरह। राजपाल बधाई सर आपको भी, मार्गदर्शन मिलता है सर का, हमें आशीर्वाद मिलता है और इतना अच्छा अवसर मिला, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि, और मुझे सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि मम्मी के घर से मैं ये काव्य पाठ कर पा रही हूँ, तो सभी बड़े खुश हैं। तो बहुत बहुत आभार, और आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार, आपने बहुत अच्छा मेरा प्रोत्साहन दिया और जितने भी और दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं तो सभी का नाम नहीं देख पाई, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, इसी के साथ विदा लेती हूँ मैं, धन्यवाद। बहुत